शहीद सोनित कुमार सैनी का पार्थिव शरीर पैतृक गांव धनोरा में, जहां हजारों की संख्या में युवाओं, ग्रामीणों व गणमान्य लोगों ने शहीद हुए लाल को नम आंखों से भावभीनी विदाई दी है। इस दौरान अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी शामिल हुए। उन्होंने नम आंखों से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बृहस्पतिवार को सुबह 7:30 बजे मिलिट्री चौक से शहीद सोनित कुमार सैनी के सम्मान में क्षेत्र के हजारों युवाओं ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, जो मिलिट्री चौक रुड़की से होते हुए भगवानपुर से इमली खेड़ा धनौरी होते हुए शव यात्रा ग्राम धनौरा पहुंची, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद सोनित के पार्थिव शरीर पर सभी ने पुष्पांजलि दी। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक सुरेश राठौर समेत तमाम गणमान्य लोग व हजारों की संख्या में अंतिम यात्रा में भाग लिया और शहीद का अंतिम संस्कार कराया। आरसी सिंह ने बताया कि हवलदार सुनीत 2003 में आर्मी में भर्ती हुए थे। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। यूनिट में सबसे दिलों का रिश्ता रखते थे। यूनिट में सभी लोग उनके अच्छे दोस्त भी थे। अरुणाचल प्रदेश में एक मिशन चल रहा था, जहां 24 सितंबर 2021 को शाम लगभग 3 बजे ये लोग कुछ सामान लेकर जा रहे थे। वहां एक अंधा मोड़ था, तो अचानक वहां एक दूसरी ओर से गाड़ी आ गई। वहां पर एक और गाड़ी सिविलियंस की थी। दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों की जान बचाने के लिए सुनीत ने अपनी गाड़ी को खाई की तरफ मोड़ने का फैसला लिया, नहीं तो उन 15 लोगों की जान जा सकती थी। उसी तरह से उसने लगभग 15 लोगों की जान बचाई, जो देश के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। स्वर्गीय सुमित को बैटल कैजुअलिटी सम्मान से नवाजा है। युवाओं की टीम जो लगातार रुड़की से धनौरी तक दौड़ते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, उनकी भी उन्होंने तारीफ की। कल्पना सैनी ने बताया कि धनौरा हरिद्वार निवासी सोनित कुमार सैनी पुत्र सुखबीर सिंह सैनी गुवाहाटी में शहीद हुए हैं। हाल ही में सोनित कुमार सैनी 20 दिन पूर्व छुट्टी मनाने के बाद अपनी ड्यूटी पर पहुंचा, जहां सोनित कुमार सैनी 22 सितंबर को आर्मी के जवानों के साथ गाड़ी में गुवाहाटी से अन्य स्थान पर जा रहे थे। तभी अचानक गाड़ी पलटने से वह गंभीर घायल हो गए। आर्मी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, जहां 11 अक्टूबर की शाम को उनका निधन हो गया। आज हमारे यहाँ हर जगह मातम छाया हुआ है, जो बहुत ही दुखद घटना का विषय है। भारत माता की जय। दर्शकों, मैं सोनू कश्यप, खास जानकारी आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ। आज एक दुर्घटना का विषय है कि हमारे धनौरी क्षेत्र, यानी हम इस वक्त हम पिरान कलियर के पास में धनौरी क्षेत्र में हैं, जहाँ पर अभी आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं सुनीत भाई, जो अभी अभी शहीद हुए हैं। और एक बहुत बड़ा दुर्घटना का विषय है, क्योंकि हमारे बीच से हमारे भाई इस वक्त नहीं रहे। और आज मैं बात करूँ तो संख्या में, आप पीछे हम आपको लाइव दिखाई रहे थे कि लाखों की संख्या में उनके साथ जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो लोग हैं, वो पूरी उनकी व्यवस्था बना रखी है, पूरी सुविधा और शोर शराबे के साथ, यानी जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय के नारों के साथ में
परिवारों के साथ में उनका जो शव यात्रा है, अंतिम शव यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त हम उनके घर पर हैं, पिताजी से उनकी बात कर लेते हैं। रमनाथ जी, क्या नाम है आपका? सुदीप जी। सुदीप जी, मैं थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा सुनीत के बारे में कि वो किस तरह के नेचर था, उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो बहुत बढ़िया था जी, बहुत बड़ा स्वभाव था, ऐसा बच्चा मिलना मुश्किल था जी। छुट्टी लास्ट टाइम छुट्टी कब आए थे वो? लास्ट छुट्टी गए थे 5 तारीख गए थे और 24 में ये एक पास हो गए थे, यहाँ एक्सीडेंट हो गया था। हाँ नहीं, 24 दिन हो गए थे, 24 दिन में एक्सीडेंट हो गया था वो। नन्ना सा मासूम सा बच्चा, छोटा सा, क्या नाम बच्चे? मौर्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th। ये मौर्या है जो आप देख रहे हैं हमारे साथ में, अभी मासूम सा स्वभाव का बच्चा है मौर्या, 4th क्लास में अभी। मौर्या, अपने पापा के बारे में क्या कहेंगे? कैसे हैं आपके पापा, जल्दी बोल दो। मेरे पापा अच्छे हैं। और बताओ पापा के बारे में? बहुत अच्छा, प्यार करते हैं। कितना प्यार करते थे आपको? बहुत सारा, मुझे पापा ने फोन भी दिया था एक। हाँ, अभी आपके पिताजी फौज में हैं, ये पता है आपको? भारत देश की। हाँ। तो क्या तुम क्या बनना चाहोगे बड़ा होकर? आर्मी। आर्मी में जाओगे? तो क्या कैसे सेवा करोगे भारत देश की? बहुत अच्छी। अच्छा, उनके माता जी का देहांत कब हुआ? 1 अगस्त 2021। भतीजी, ये भतीजी हमारे साथ है, क्या नाम बेटी आपका? मेरा अर्जु सैनी। अर्जु सैनी, आप क्या करते हो? मैं 11th में हूँ इस बार। 11th में इस बार। अभी जो आपके चाचा जी थे देश की सेवा कर रहे थे, उनके बारे में क्या? बहुत अच्छे थे, उन्होंने 15 आदमी की जान बचाई है, उसके बाद खुद चले गए, ये भी नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, उनके बारे में सोचा। होंगे चाचा और किसी के, सबके चाचा होंगे, बट मैं नहीं जानती, मेरे से ज़्यादा चाचा तो मतलब अच्छे होंगे ही नहीं, और दुनिया में इंसान भी नहीं होंगे, इतना कुछ करा है उन्होंने देश के लिए। लगेगा लेकिन ये धैर्य यहाँ बनाए रहे भारत माता सेवा में, वो शहीद हो गए। तो दर्शकों को पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त अभी क्योंकि माहौल जो है बहुत ही एकदम से शांत हो रखा है, क्योंकि एक देश के बेटे ने अपनी जान दी, क्योंकि मुझे भी रोना आ रहा है, तो मैं पूरा वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। कल्पना सैनी जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि जी सुनीत की हम बात करें तो सुनीत हमारे सैनी समाज से थे और उन्होंने बहुत ही देशभक्ति के लिए अपना जो बलिदान दिया है वो सराहनीय कार्य है। वो जी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि सुमित के बारे में आप बताइए। सुमित धनौरे का ही रहने वाला था, उनके पिताजी सुखबीर सिंह जी खेती करते हैं, उनके बड़े और छोटे भाई, बड़े दोनों भाई खेती करते हैं, यही निवास करते हैं। सुमित का अपना शौक था कि वो मिलिट्री में जाना चाहता था और वो गया, वहाँ उसने बहुत सराहनीय कार्य किए, हौसले वाला लड़का था वो, और समय ख़राब था कि छोटी जगह में आमने सामने गाड़ियाँ आईं और सुमित की गाड़ी में जेसीबी थी, सामने से जवानों की गाड़ी थी, उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी गाड़ी को किनारे पर कर लूँ, खाई में जाएगी तो जाएगी, पर जवानों को की रक्षा होनी चाहिए। और देश के लिए जैसी संभावना लग रही थी वही हुआ कि चूँकि रास्ता छोटा था, सामने वाली गाड़ी को बचाने के लिए गाड़ी खाई में चली गई, पर सामने वाली गाड़ी में आने वाले वो 10 जवान सुरक्षित बचे। उसने अपनी ज़िंदगी की परवाह न करके अपनी गाड़ी को खाई की तरफ मोड़ दिया। लगभग 15 लोगों की जान उन्होंने अकेले बचाई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक विषय, बहुत बड़ा विषय है ये। तो दर्शकों, अभी जो उनका सार्थिक शरीर है वो भी आ चुका है, और अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके जो परिजन हैं, पूरे जिला हरिद्वार, मैं यही कहूँगा कि आज यहाँ पर इस वक्त उपस्थित है, बात नहीं, क्योंकि एक देश के प्रति भावनाओं की बात है। तो अब देश के लिए एक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
जगह दें। हम आप सभी से भी यही आग्रह करेंगे कि आप जो है कि उनके लिए ये प्रार्थना करें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें कि जो मातृभूमि है उसके लिए मर मिटने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है आर्मी में जाकर। तो इस वीडियो को एक शहीद के नाम लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।